तो इस वीडियो में हम जो है इनके जो है प्रॉब्लम करते हैं रेशनल एक्सप्रेशन के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि सेपरेट करें क्या, सेपरेट द पॉलीनोमियल रेशनल एंड इरेशनल एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग, इनमें से रेशनल इरेशनल पॉलीनोमियल को अलग करें। ठीक है, ये देखिए बता रहा है कि रेशनल हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं कि जो पॉलीनोमियल से डिफरेंट है। ठीक है, यानी जो आपको पता है हर पॉलीनोमियल रेशनल होता है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ पॉलीनोमियल को अलग कैटेगरी में हम यहाँ रखना चाहते हैं। ठीक है, और रेशनल जो है वो हम पी अपॉन क्यू पी एक्स अपॉन क्यू एक्स फॉर्म में लिखेंगे, और क्यू एक्स जो हम जो है वो हम कहेंगे यहाँ वन नहीं जो कंसीडर करेंगे, क्योंकि वन हो जाएगा तो वो पॉलीनोमियल हो जाएगा। बहरहाल कम ऑन द क्वेश्चन, क्वेश्चन जो है उसको हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं उनके सोल्यूशन क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर वन है आपका के टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फाइव। ठीक है, आप सॉरी प्लस फाइव। तो देखिए ये जो आपका नंबर जो आपका एक्सप्रेशन है टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव, ये आपका क्या है, क्यूबिक पॉलीनोमियल है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पॉलीनोमियल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा पॉलीनोमियल। अब इसमें देखें आपके पास क्या है, फाइव एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन, ये आपका क्या है, ये आपका एक जो है क्यूबिक पॉलीनोमियल है। आपको पता है क्यूबिक पॉलीनोमियल जो है वो जो है रेशनल तो होता है, लेकिन यहाँ हमें सेपरेट करना है, इसलिए हम कहेंगे ये क्या है, ये एक आपका पॉलीनोमियल है एंड इट इज अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ पॉलीनोमियल दैट इज क्यूबिक पॉलीनोमियल। यहाँ भी देखें आपके पास क्या हुआ है, ए एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एंड एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई प्लस सी। ठीक है, ये जो है आपका पॉलीनोमियल इन टू वेरिएबल है, क्योंकि अपान में इसके कुछ भी नहीं है ना स्क्वायर रूट है, तो आपको पता है ये पॉलीनोमियल इन टू वेरिएबल है, उसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री यहाँ है फाइव। ठीक है, तो ये थर्ड वाला भी आपका क्या हुआ, पॉलीनोमियल हुआ। इसको देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये पी एक्स अपन क्यू एक्स फॉर्म में है, ऊपर आपका क्या है, ऊपर आपका क्यूबिक पॉलीनोमियल है और डिनोमिनेटर में आपका लीनियर पॉलीनोमियल है। ठीक है, तो पी एक्स अपन क्यूब एक्स फॉर्म में है, यहाँ हमें एक कंडीशन रखनी चाहिए, लेट मी राइट इट हियर। हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय डी एक्स प्लस ई, और हम यहाँ कंडीशन ये रखते हैं कि डी एक्स प्लस ई जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका पी एक्स अपन क्यू एक्स फॉर्म में है, इसलिए ये क्या है आपका, ये आपका है रेशनल एक्सप्रेशन। राइट, नाउ गो टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेक्स्ट वन, दैट इज फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ आपका क्या लिखा हुआ है, थ्री एक्स क्यूब फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, आपका न्यूमिनेटर में क्या है, न्यूमिनेटर में आपका क्यूबिक पॉलीनोमियल है, डिनोमिनेटर में देखें फोर एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, यहाँ आपका डिनोमिनेटर में क्या है, आपका क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, क्योंकि ये भी आपका पी एक्स अपॉन क्यू एक्स फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे रेशनल एक्सप्रेशन। और सिर्फ आप एक कंडीशन लगाएंगे, वो कंडीशन क्या है कि फोर एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, दिस इज अ कंडीशन दैट वी हैव टू राइट इन द आंसर, वी मस्ट राइट इन द आंसर। ठीक है, इसको देख ले, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है तो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यों, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स फॉर्म में नहीं लिख सकते। और जब आप एक्स की डिफरेंट वैल्यू सोचेंगे, डिफरेंट रियल नंबर यहाँ रखेंगे जो पॉजिटिव रियल नंबर है या जीरो हो सकता है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पॉजिटिव रियल नंबर रखेंगे या जीरो रखेंगे एक्स की जगह पे, तो हमारे पास जो है नंबर आएंगे वो सारे के सारे रेशनल नंबर नहीं आएंगे, हमारे साथ बहुत सारे नंबर इरेशनल नंबर आएंगे। ठीक है, तो जब हम यहाँ क्या रखेंगे, जो जब हम यहाँ एक्स की जो है पॉजिटिव रियल वैल्यूज रखेंगे, तो सारे के सारे नंबर जो है रेशनल नहीं आएंगे, इसलिए क्योंकि इसके क्योंकि इसलिए ये क्या है, इरेशनल एक्सप्रेशन है। इन अदर वर्ड्स, क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर रूट है और स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर वगैरह नहीं है जो उसको काट दे, इसलिए ये क्या है, इरेशनल एक्सप्रेशन है। सॉरी, नेक्स्ट क्या है आपके पास, ये जो नंबर है क्या है, वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, वाई जेड स्क्वायर आप इसको देख लें, वाई जेड की डिफरेंट वैल्यू अगर आप रखें, आपको ऑलवेज जो रिजल्ट है वो रेशनल नहीं मिलेगा, आपको बहुत सारे रेशनल नंबर मिलेंगे। और अगर आप इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहें, तो आप कहेंगे कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो इसको मैं वाई इंटू जेड स्क्वायर लिख सकता हूं। आप कहेंगे जेड जो है क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, इसलिए मैं जेड को, चलो इसको सिंप्लीफाई करता हूं, इसको लिख सकता हूं वाई जेड इंटू जेड। ठीक है,
अगर जेड को मैं यहाँ से आपको पता है टू टाइम रिपीट होता है कोई नंबर तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है, तो अब इसको लिख सकते हैं कि जेड स्क्वायर रूट से बाहर आ गया और वाई अभी भी स्क्वायर रूट के अंदर है। क्या अभी तक ये रेशनल है या इरेशनल है? ये भी अभी तक इरेशनल नंबर है क्योंकि वाई की वैल्यू डिफरेंट रखने से यहाँ जो है हमें जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो नंबर हमें मिलेगा इरेशनल। ठीक है, ऑलवेज इरेशनल नहीं पर मोस्ट ऑफ द टाइम वी गेट इरेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि y को स्क्वायर रूट को y से हम नहीं छुड़ा सकते, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये आपका जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, इरेशनल एक्सप्रेशन है। अगर आप इसको देखें क्वेश्चन नंबर 8 को, तो आपके पास क्या है, वन अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये पी अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन पी एक्स तो वन है, वो तो हमें पता है कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, लेकिन अपॉन में जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर है वो क्या है, x प्लस वाई है। और रेडिकल x प्लस वाई की जो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वाई की जो हमेशा हम x की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे तो हमेशा हमारे पास जो है रेशनल नंबर नहीं आएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, क्योंकि अपान में डिनोमिनेटर में इसके बाद इरेशनल नंबर है, दैट्स वाई दिस फुल एक्सप्रेशन इज एन इरेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आपका ये क्या होगा, इरेशनल एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कहां भी अगर इरेशनल एक्सप्रेशन आ जाए तो हम उसको इरेशनल ही कहेंगे। पी अपान क्यू एक्स देख कर आप इसको रेशनल नहीं कह सकते क्योंकि अपान में डिनोमिनेटर में इरेशनल एक्सप्रेशन है, इसलिए ये सारा का सारा हमारे पास क्या होगा, इरेशनल एक्सप्रेशन हो जाएगा। थर्ड नाइन्थ वाला है आपके पास 3x माइनस 1/3। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक कर जाते हैं, इसको आप मिस्टेक नहीं करनी, 3x माइनस 1/3। 1/3 आपका कोई भी कॉन्स्टेंट है, यानी ये आपका इस फॉर्म में लिखा हुआ है a1 of x plus a0 इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू है आपके पास 3 और a0 की वैल्यू क्या है, a0 की वैल्यू -1/3। तो बेसिकली आपका ये क्या हुआ है, लिखा हुआ है आपका जो है ये आपका लिखा हुआ है लीनियर पॉलिनोमियल a1 of x a0, ये आपका बेसिकली लीनियर पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। तो ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल की एग्जांपल है, बिकॉज दिस इज एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, तो आपका ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 5 से कांस्टेंट नंबर होता है तो वो क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दैट्स व्हाई इट्स अ पॉलिनोमियल। सिमिलरली एक और हमारे पास क्वेश्चन है 4/x। ठीक है, कंडीशन इज दैट x इज नॉट इक्वल टू 0, x के ऊपर स्क्वायर रूट वगैरह कुछ भी नहीं है, px/qx फॉर्म में है, ऊपर इसके पास क्या है, ऊपर इसके पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में क्योंकि x के ऊपर पावर 1 है ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसलिए px/qx के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका रेशनल एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसको देखें, ये 0 है, आपको पता है जब नंबर 0 होता है तो वो क्या होता है, रेशनल जो है 0 पॉलिनोमियल होता है, दैट्स व्हाई इट्स अ पॉलिनोमियल। इसको देखें, x² + x - 3 आपका क्या है, दिस इज अ पॉलिनोमियल इनटू वेरिएबल, तो ये भी क्या है, आपका पॉलिनोमियल है। यहाँ एक बार एक चीज देखें, आपका पास क्या लिखा है, 1/y - y, देखिए ये तो सिर्फ y जो है पॉलिनोमियल, लेकिन ये 1/y लिखा हुआ है, हमेशा ये कंडीशन लगानी है, y जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर क्या है, ऊपर आपके पास जो है कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है और नीचे आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये px/qx फॉर्म में है। अगर पूरे एक्सप्रेशन में एक भी टर्म जो है आपका वो क्या है, रेशनल एक्सप्रेशन है, तो पूरा का पूरा टर्म आपका रेशनल एक्सप्रेशन हो जाएगा, दैट्स व्हाई दिस इज अ रेशनल एक्सप्रेशन। इसको देख लें, ये आपके पास क्या है, 1/x² + 1, ऊपर आपके पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, नीचे आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि px/qx फॉर्म में है और हमें यहाँ क्या कंडीशन रखनी है, x² + 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या है, ये वाला देख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ वन किसके बराबर हो जाता है, 1 के, और 4 जो किसके बराबर होता है, 4 के। 1/4 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, 1/4 कांस्टेंट नंबर है, इसलिए ये क्या है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, px/p/q के आप धोखे में न रहे, कोई भी अगर आपके पास नंबर आ जाए तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाता है, जैसा जिससे कांस्टेंट पॉलिनोमियल ये आपका पॉलिनोमियल के जिम्मन में आ जाएगा। इसको देख ले, ये लास्ट टाइम हम कर भी चुके हैं, ये आपका क्या है, इसको देख लेते हैं, आपके पास क्या है, आपका क्यूब रूट ऑफ x - y होल स्क्वायर है, और क्यूब रूट की वैल्यू क्या होती है, x - y होल स्क्वायर हो जाएगा, इसके ऊपर पावर क्या हो जाएगा, 1/3, इसका नंबर आंसर जो है इरेशनल नंबर है, इसलिए ये इरेशनल एक्सप्रेशन है।